नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में व्यापारी ने किया सुसाइड, घर में ही फंदा लगा करके सुसाइड किया, मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा, सुसाइड नोट में बिजनेस पार्टनर पर आरोप लगाया। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। फतेहाबाद में अपने बिजनेस पार्टनर के साथ लेन देन के विवाद के चलते अनाज मंडी के एक व्यापारी ने फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। मरने से पहले करीबन 4 पेजों का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। सुसाइड नोट को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। व्यापारी द्वारा खुदकुशी किए जाने की सूचना मिलने के बाद अनाज मंडी में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक अपने बिजनेस पार्टनर के साथ लेन देन के विवाद चल रहा था और इसी के चलते उसने ये कदम उठाया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, शव को अपने कब्जे में ले लिया। जाँच के बाद और उसी दौरान मृतक के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसे लेकर अपने कब्जे में ले लिया पुलिस ने। और फिलहाल पुलिस मृतक की पत्नी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। ये विजय कुमार है, अनाज मंडी में इनकी की दुकान है, तीन पार्टनर हैं। तो इसके जो वाइफ है उसने इसके स्टेटमेंट दी है कि इसके पति हैं जो सुसाइड कर गए हैं। तो दो के नाम जो सुसाइड लेटर के अनुसार दो के नाम लेते हैं, एक जो पार्टनर हैं रघुवीर, एक रघुवीर सिंह, दूसरा रमेश कुमार जी। उनके खिलाफ अभियोग अंकित किया जा रहा है। तो क्या तंग, किस प्रकार से तंग करते थे ये? इनका आपस में लेन देन का मैटर था जी। तो जिस तरह से कर्ज की बात सामने आ रही, कोई कर्ज वगैरह था, तो इसी के चलते कोई जांच का विषय जांच की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इसमें। कितने 4 पन्नों का है। तो सुसाइड नोट के अंदर क्या कहा गया है, उसमें सुसाइड नोट में क्या लिखा गया है? वो लेन देन का मैटर लिखा है, इनका आपस में जो था वो हिसाब किताब नहीं हो रहा था ढंग से, जिस कारण वो सुसाइड कर गया। तो वो लोग प्रताड़ित करते थे क्या सर? जांच का विषय जांच की जाएगी, उसमें क्या आता है, क्या कार्रवाई की जा रही है, अभियोग किया जा रहा है।